सो बेसिकली फैमिली कॉन्स्टेलेशन जो है उसके कई सारे नाम भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली कॉन्स्टेलेशन, देन फैमिली थेरेपी, एंड देन थर्ड वन इज सिस्टमिक थेरेपी. ओके, सो फैमिली कॉन्स्टेलेशन में भी बहुत सारे पार्ट है, मतलब अलग अलग तरीके के कॉन्स्टेलेशन होते हैं. जैसे आप जो सीखने जा रहे हैं वो बेसिक कॉन्स्टेलेशन है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बेसिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ कम है इसमें या बिल्कुल बेस आएगा, नहीं. इसी बेसिक फैमिली कॉन्स्टेलेशन कोर्स से आप किसी भी तरह के केस हैंडल कर सकते हैं, वेदर इट इज मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी या सिचुएशनल प्रॉब्लम है, आप हर चीज को इसमें हील कर सकते हैं. आपको ये जो बेसिक लेवल कराया जा रहा है, ये बेसिक लेवल ही सब कुछ है. बाकी इसमें जो आगे आने वाले कोर्सेज होंगे वो होंगे फैमिली ट्रॉमा एंड बॉन्डिंग, देन नेक्स्ट आपका हो सकता है बिजनेस कॉन्स्टलेशन, देन एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टलेशन. ओके, एक्चुअली जो हम कॉन्स्टलेशन सीखते हैं, जो बर्ट हेलिंगर इज द फाउंडर ऑफ दिस मॉडलिटी, उन्होंने एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर इसका तैयार किया गया किया उन्होंने, और ये जो कॉन्स्टलेशन उन्होंने तैयार किया उसके बाद से बहुत सारे एडवांस लेवल पे कॉन्स्टलेशन सब होने लगे हैं. बिकॉज नाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट व्हाट इज द टेक्निक, एंड कैसे कौन सा कैसे हम शुरू करेंगे कॉन्स्टलेशन, और कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने बहुत आरएनडी की हुई है इसमें, फैमिली कॉन्स्टलेशन में. मेरे लिए दिस इज मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग थेरेपी है, क्योंकि ये थेरेपी में आपको सब कुछ क्लियरली पता चलता है, वो भी विद ओपन आईज. आप खुद महसूस कर सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द थेरेपी. जनरली क्या होता है कि सामने वाला बैठता है, आपका जो थेरेपिस्ट है वो आपके सामने बैठता है और वो थेरेपी करता है, राइट? सेम हियर, पर यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ आपको गाइड करता है, आप अपने आप चैनल करते हैं. सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ चूजिंग फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज ओपनिंग मोर इंट्यूशंस. आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे थीटा से भी हैं, बहुत सारे जो और दूसरे कोर्सेज हैं मैंने जितने भी कराए या और जो उन्होंने सीखे हैं इस फोरम पे, जो भी कोर्सेज होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड ऑल, वहां पे आपने जो कुछ भी, जितना आपको लगता है कि हम इंट्यूटिव नहीं है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यू कैन चैनल योर ओन सेशन, यू कैन बिकम अ चैनलर आफ्टर डूइंग दिस थेरेपी. क्योंकि इसमें एक चैनलर होता है और एक थेरेपिस्ट होता है, राइट? तो जब ये थेरेपी आगे बढ़ती है तो जो चैनल करता है उसको खुद समझ में आता है कि व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट माय एंसेस्टर वाज फीलिंग, व्हाट माय मनी इज फीलिंग, व्हाट माय रिलेशनशिप, व्हाट माय फैमिली इज फीलिंग, और व्हाट माय मैरिज इज फीलिंग. सो जो मैरिज में फीलिंग आता है, बिकॉज एवरीथिंग इज योर एनर्जी, योर मैरिज इज योर एनर्जी, योर मनी इज योर एनर्जी, सो यू कैन फील बाय योर सेल्फ. यहाँ थेरेपिस्ट का काम बहुत डिफरेंट है. यहाँ जिसकी थेरेपी हो रही है, जिसको चैनल करना है, उसका काम उसकी अपनी इमोशंस को समझना, अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने एंसेस्टर के साथ बनाना, राइट? अभी मैं आपको पूरा डिटेल दूंगी, या आपकी कोई भी पार्ट है या कोई भी पर्सन है जिसके साथ आप कॉन्सलेशन कर रहे हैं, व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग. ओके, ये इंट्यूशन. और बिलीव मी, आज तक मैंने कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा कि जो अपना चैनल ना कर पाए सेशन. एवरीबडी कैन डू दैट. सो देर आर लॉट ऑफ मिथ कि अरे नहीं, चैनलिंग नहीं हो पाएगा, ये नहीं. नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा जो विलिंगली चैनल करना चाहता हो और ना कर पाए. नो चांस. यस, मे बी कि एक दो सेशन आपको लग सकते हैं समझने में, वो भी आप कर लेंगे और आपको तुरंत फीलिंग आएगा, जिसकी स्टार्टिंग हम आज से ही करेंगे.